खतरनाक दिख रही है, और लगता है कि अगर इस अंदाज में अगर स्विफ्ट को लेके आते हैं, नई स्विफ्ट को, तो इसे यहाँ से लोग खुद ही शिफ्ट कर देंगे और दूसरी गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। तो मेरा दोस्तों, मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है और अभी भी चली रही है, लेकिन उसका जो है नई अपग्रेड आने वाला, यानी नया लुक आने वाला उस गाड़ी का, तो जो नया लुक बोल रहे हैं वो एक SUV डिज़ाइन के साथ आने वाला है। तो ये न्यूज़ छपी है आपकी dainikbhaskar.com के ऊपर। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि नई मॉडल के साथ की गई है प्लानिंग, यानी नए मॉडल की प्लानिंग की गई है, जिसमें SUV जैसे डिज़ाइन के साथ अगले साल आ सकती है नई स्विफ्ट। इसमें इग्निस की झलक दिख रही है। तो हाँ, ये एकदम सही बात है कि इसमें थोड़ी सी इग्निस जैसी झलक दिख रही है, क्योंकि फुल इग्निस वाला इसका स्वरूप दिख रहा है। तो इसके स्वरूप से अगर मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर ये स्विफ्ट किसी और चीज़ पे शिफ्ट होती है तो भैया इसे यहाँ से ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की जो पसंद है वो पुरानी स्विफ्ट है। क्योंकि स्विफ्ट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, बस थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर जो नई स्विफ्ट आती है, अगले साल आने वाली है, जब भी आने वाली है, तो अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो लुक्स हैं उसके थोड़े इग्निश जैसे रहने वाले हैं। वैसे इग्निश इतनी ज़्यादा उठी नहीं है, लेकिन अगर वैसा लुक अगर इसको दे दिया गया तो उसकी गिरावट, जो स्विफ्ट की जो सेल्स होती है उसकी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि लोग अभी भी चाहते हैं कि हमें वैसी ही गाड़ी मिले, क्योंकि एक अच्छी गाड़ी है, काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी प्यारी दिखती है, काफ़ी अच्छी चलती भी है। और देखना होगा कि अगर इसे SUV में कन्वर्ट कर दिया गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली शायद 2020-2021 में इसे अपग्रेड किया गया था, इसके थोड़े से चेंजेस किए गए थे। उसके बाद अब अचानक से अगले साल एक और नया चेंज बोल रहे हैं कि हम SUV स्विफ्ट लेके आएंगे, तो ये शायद लोगों को हजम नहीं होगी बात। और इग्निस तो वैसे ही लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। हाँ, काफ़ी दमदार गाड़ी थी, काफ़ी बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई थी। इसकी लगभग सितंबर 2021 तक इसकी 25 लाख यूनिट बेच चुके हैं ये लोग, और काफ़ी अच्छा है। इसे 2014 में इसका एक कंसेप्ट S नाम से इसे पेश किया गया था। उसके अलावा 2021 में काफ़ी पॉपुलर हुई है, काफ़ी अच्छा चला। लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी बिक्री चल ही रही थी, कंटिन्यू चल ही रही है। और अगर इसका लुक बदल दिया गया तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम उसी स्विफ्ट पर रहें, बस उसकी सेफ्टी बढ़ा दो। अपग्रेड्स ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले उसी पुरानी स्विफ्ट पे काम करिए, उसे अच्छा अपग्रेड करिए, उसी को करिए, उसी की बिल्ड क्वालिटी को मेंटेन करिए। अगर आपकी बिल्ड क्वालिटी मेंटेन हो जाती है तो आपकी सेफ्टी भी मेंटेन हो जाती है। तो भैया पहले आप अपने सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, बाद में आप SUV गाड़ी पे ध्यान दीजिए। अगर आप SUV गाड़ी लेके आ रहे हैं तो कुछ और या कुछ दूसरे नाम से लेके आइए, स्विफ्ट को वहीं रहने दीजिए, और ब्रिज़ा के कंपैरिजन में लेके आइए, ब्रिज़ा से थोड़ी नीचे लेके आइए, ताकि उसकी बिल्ड क्वालिटी ब्रिज़ा के बराबर हो। और ब्रिज़ा एक अच्छी गाड़ी है, मारुति की सिर्फ ऐसी एक गाड़ी जो मुझे पसंद है वो है ब्रिज़ा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं देखता हूँ कि भैया क्या होगा इस स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट तो बड़ी खतरनाक दिख रही है, और लगता है कि अगर इस अंदाज में अगर स्विफ्ट को लेके आते हैं, नई स्विफ्ट को, तो इसे यहाँ से लोग खुद ही शिफ्ट कर देंगे और दूसरी गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। कि ये तो 2022 की कहानी है, क्योंकि अगले साल, और अगले साल आता भी है कि नहीं आता है, या सिर्फ ये सिर्फ एक लीक से, या सिर्फ कहीं से रूमर उड़ा हुआ है, कहीं से कहानी फैली हुई है, वो पता चल ही जाएगा। तो देखेंगे अपन अगले रिपोर्ट में, जब भी ये लॉन्च होगी, जब भी होगा। तो मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।